काइनमास्टर से ऑडियो में कट कैसे लगाएं। दोस्तों, अगर आप काइनमास्टर में वीडियो एडिट करते हैं तो आपको अपनी वॉइस यानी ऑडियो में कट लगाने की ज़रूरत पड़ती ही होगी। तो आज की स्टूडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की स्टूडियो में हम जानेंगे काइनमास्टर के ऑडियो में कट कैसे लगाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एक वीडियो ऐड कर रखा हुआ है। आप भी काइनमास्टर में पहले वीडियो या ऑडियो ऐड कर लें, उसके बाद आप काइनमास्टर की मदद से ऑडियो में कट लगाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर मैंने वीडियो ऐड किया हुआ है। वीडियो ऐड करने के लिए आप यहां मीडिया पर क्लिक करते हैं, उसके बाद फ़ोन की गैलरी से कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करते ही आपके सामने यहाँ पर वीडियो आ जाती है। अब हम ऑडियो में कट लगाने के लिए सबसे पहले हम वीडियो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का फंक्शन आ जाएगा। अब आपको अगर वीडियो की ऑडियो में कट लगाना है तो सबसे पहले आपको वीडियो के ऑडियो को एक्सट्रेट करना होगा। एक्सट्रेट करने के लिए सबसे पहले आप यहां पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर एक ऑप्शन दिया होगा एक्सट्रेट ऑडियो। तो आप एक्सट्रेट ऑडियो पर क्लिक करेंगे। एक्सट्रेट ऑडियो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ब्लू लाइन बन जाए। ब्लू लाइन का मतलब है आपके वीडियो की ऑडियो जो है एक्सट्रेट हो चुकी है। अब इस ऑडियो में अगर कट लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे? सबसे पहले आपको इस ऑडियो पर क्लिक करना होगा। इस ऑडियो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ ट्रिम और स्प्लिट का। ऑडियो में कट लगाने के लिए ए ट्रिम और स्प्लिट का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम इसको क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आपके सामने तीन ऑप्शन आ चुके हैं, पहला लेफ्ट, दूसरा राइट, तीसरा स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है अगर आप ऑडियो में मिडिल में कट लगाना चाहते हैं तो आप स्प्लिट पर क्लिक करेंगे। और लेफ्ट और राइट का मतलब आप समझ सकते हैं, लेफ्ट में अगर कट लगाना है तो आप लेफ्ट पर क्लिक करेंगे और राइट पर कट लगाना है तो आप राइट पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑडियो के मिडिल में कट लगाते हैं, इसके लिए हम स्प्लिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ऑडियो है यहाँ पर मिडिल में कट लग चुका है। यहाँ पर कट कैसे लगा आपको बता दे तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो ऑडियो है यहाँ पर एक रेड कलर की लाइन बनी हुई है। यह रेड लाइन जहाँ पर रहेगा वहीं से कट लगेगा। जो यहाँ कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहीं से कट लगेगा। फिर से मैं कट लगाता हूं, इसके लिए ऑडियो पर क्लिक करूंगा, उसके बाद फिर से हम ट्रिम और स्प्लिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम स्प्लिट पर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे यहां पर रेड लाइन थी तो यहीं से कट लगा हुआ है। इसी तरह अगर आप अपने ऑडियो को कट लेफ्ट और राइट करना चाहते हैं तो आप रेड लाइन को वहां ले जाएंगे जहां से आपको कट लगाना है। यहां से मुझे कट लगाना तो रेड लाइन यहां पर करेंगे, उसके बाद आप यहां आएंगे, उसका ट्रिम और स्प्लिट पर क्लिक करेंगे, उसका लेफ्ट और राइट जिधर भी आपको कट लगाना है आप उस पर क्लिक करेंगे। अगर मुझे राइट में कट लगाना तो राइट पर क्लिक करूंगा। तो देखिए यहां रेड लाइन से इधर की जितनी भी वॉइस थी ऑडियो थी कट उसमें कट लग चुका है। ऐसे ही अगर आपको लेफ्ट में कट लगाना तो यहाँ पर रेड लाइन लाएंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम ट्रिम और स्प्लिट में जाएंगे, ट्रिम और स्प्लिट पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे लेफ्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑडियो जो है लेफ्ट साइड की कट चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह से आप काइनमास्टर में ऑडियो पर कट लगा सकते हैं और स्प्लिट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ऑडियो सॉन्ग है जो ये आपके फ़ोन की गैलरी में है उसे ऐड करके कट लगाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले ऑडियो को ऐड करना होगा। तो हम स्टार्टिंग में आ जाते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले ऑडियो ऐड करेंगे। फ़ोन की गैलरी में जो भी ऑडियो होगा आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर फोल्डर पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे आपके फ़ोन की गैलरी की जितनी भी ऑडियो है यहाँ पर शो करेगी। तो आप यहां से सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहां पर एक सॉन्ग है मैं इसको ऐड करना चाहता हूं, तो यहां पर प्लस आइकॉन जो दिख रहा आपको इस प्लस आइकॉन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर देखेंगे एक ब्लू कलर की लाइन दोबारा बन चुकी है, यानी ऑडियो ऐड हो चुका। ऑडियो में जहां भी आप कट लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। कट लगाने का तरीका आपको पहले ही बता दिया, सेम प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे। इस तरह ऑडियो में आप कट लगा सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट में भी ऑडियो में कट लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।